भारत में कोरोना वायरस के हर रोज मामले बढ़ रहे हैं। पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार कम जरूर हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,77,284 हो गई है। तो वही पिछले 24 घंटे में 11,039 नए मामले सामने आए। वही बात की जाए कोरोना के नए मामलों की तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को एकदम से 15 नए मामले सामने आए, जिसके बाद ब्रिटेन में पाए गए नए स्ट्रेन के कुल संक्रमितों की संख्या 165 हो गई भारत में, जो कि डराने वाली खबर थी। शनिवार को एक और नया मामला सामने आया, जिसके बाद 166 हो गई संख्या। लेकिन राहत की बात यह रही कि रविवार और सोमवार को कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। एक बार फिर से कल देश में 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 168 हो गई। बात करें आज की तो आज भी 2 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कि संक्रमितों की संख्या 170 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बुधवार को ये जानकारी दी। इसमें से हर मरीज को संबंध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश हो रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।